नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या यूपी में उपचुनाव की लड़ाई अब पर्सनल अटैक पर आ गई है? यूपी में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश में माफिया कौन? मठाधीश माफिया के बाद अब कुत्ते की पूंछ और गीदड़ पर घमासान क्यों मचा है? योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर थे। योगी ने चुन चुनकर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोला तो अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया। योगी आदित्यनाथ ने माफिया को लेकर अखिलेश को घेरा तो अखिलेश ने सीएम योगी को ही माफिया बताने की कोशिश कर दी। इस बीच योगी ने समाजवादी पार्टी के अराजक और गुंडों की बात कर तंज कसा तो अखिलेश ने एसटीएफ पर ही सवाल उठा दिए। सवाल है कि क्या यूपी विधानसभा उपचुनाव की लड़ाई में आगे क्या होगा और क्या क्या सुनने और देखने को मिलेगा, आज इसी मुद्दे पर डिबेट। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही इस समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। तभी मैंने कहा कि जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, इसलिए मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। माफिया की पैरेलल सरकार चलती थी, बबुआ अपने घर के बाहर नहीं निकलता था। आप एक काम करिए, एक तस्वीर उनकी रखिए, एक तस्वीर हमारी रखिए, दोनों में कौन क्या लग रहा है बता दो आप। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से पहले सियासी पारा सातवें आसमान पर है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आमने सामने हैं। मठाधीश माफिया से चली लड़ाई अब पर्सनल अटैक तक आ पहुंची है। योगी आदित्यनाथ माफिया से लेकर समाजवादी पार्टी नेताओं के काले कारनामों तक चुन चुनकर अखिलेश यादव पर तीखा प्रहार कर रहे हैं, तो अखिलेश भी पर्सनल अटैक कर सीएम योगी आदित्यनाथ पर पलटवार कर रहे हैं। आज सीएम योगी रामनगरी अयोध्या के मिल्कीपुर में थे। योगी ने समाजवादी पार्टी पर कड़ा और बड़ा अटैक किया। ये लोग गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते हैं, अराजकता फैलाते हैं, देशद्रोही तत्वों को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए प्रश्रय देते हैं, अराजकता फैलाते हैं। और इसीलिए मैं कह सकता हूं बहनों और भाइयों कि जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। इनके लिए तो कानून के दायरे में ला करके इन पे शिकंजा कसना पड़ेगा, और हमारी सरकार वही काम कर रही है इनके साथ में जिसके ये पात्र हैं। उन्हें इसीलिए परेशान किया जा रहा है कि एक तो वो समाजवादी पार्टी है और दूसरा भारतीय जनता पार्टी को इससे लाभ मिलेगा हिंदू मुस्लिम डिवाइड करने में। ये पहले दिन से स्ट्रेटजी है भारतीय जनता पार्टी की कि समाजवादी पार्टी को कैसे बदनाम किया जाए, और अगर कहीं कोई मुस्लिम है तो बदनाम समाजवादी पार्टी को कर दो। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में हो रहे विकास कार्यों का जिक्र किया और दीपोत्सव की बात कहकर समाजवादी पार्टी को पाकिस्तान परस्ती से जोड़ दिया। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिनको विवादित ढांचा पसंद था वो आज अयोध्या की सुंदरता को पचा नहीं पा रहे। अयोध्या का दीपोत्सव, अयोध्या के मंदिरों में, अयोध्या के घाटों में जब दीप जलते हैं तो परेशानी दो लोगों को होती है, एक सपा मुखिया को और दूसरा पाकिस्तान को। लेकिन अपनी हिंदू विरोधी मानसिकता के लिए जाने जाने वाली समाजवादी पार्टी को भी, समाजवादी पार्टी को भी परेशानी होने लगती है, क्योंकि अंधेरे में रहने के अभ्यस्त हैं, डकैती डालते हैं, तो अंधेरा इनको चाहिए, इसलिए इन्होंने सर्वत्र यही काम किया है। आज अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी बन रही है, तो अयोध्या के दीपोत्सव से जिनको परेशानी होती थी उनको तो अब परेशानी होगी कि अयोध्या कैसे सुंदर हो गई है, क्योंकि इनको तो वो विवादित ढांचा प्यारा था। योगी आदित्यनाथ के प्रहार से अखिलेश यादव इतने आग बबूला हो गए कि सूबे के सीएम को ही माफिया बताने लग गए। इतना ही नहीं, अखिलेश ने योगी आदित्यनाथ को मठाधीश सीएम तक कह दिया। तभी मैंने कहा कि जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, इसलिए मठाधीश मुख्यमंत्री हैं ये। आप देखिए, मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगे ये बता दो। आप एक काम करिए, एक तस्वीर उनकी रखिए, एक तस्वीर हमारी रखिए, दोनों में कौन क्या लग रहा है बता दो आप।
योगी आदित्यनाथ ने मठाधीश को माफिया से जोड़ने वाले अखिलेश के बयान का भी जिक्र किया और 2017 के पहले अखिलेश राज का जिक्र कर चुन चुन कर वार किया। योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी माफिया के पैदल सरकार चलाती थी, तो अखिलेश यादव ने पलटवार कर सीएम योगी आदित्यनाथ को टॉप 10 माफियाओं की लिस्ट जारी करने की चुनौती दे डाली। के पहले गरीब का राशन समाजवादी पार्टी के गुंडे हजम कर जाते थे, किसी गरीब को राशन नहीं मिलता था, किसी भी जिले का जो जितना बड़ा माफिया था, जितना बड़ा गुंडा था, वह समाजवादी पार्टी का सागिर्द था, उनका पदाधिकारी था। ये माफिया की पैरेलल सरकार चलती थी, बबुआ अपने घर के बाहर नहीं निकलता था, बबुआ 12 बजे सो के उठता था और प्रदेश की जनता पिसती थी। माफिया समानांतर सरकार चला करके अराजकता, गुंडागर्दी का एक और तांडव करते थे। दूसरी तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण की हद को पार करते हुए पर्व और त्योहारों में भी इन्होंने किस कदर अराजकता फैलाई। ये सब घिसे पिटे डायलॉग है पुराने वाले, और मैं इसीलिए कहता हूं कि ये सब पुराने डायलॉग हैं, पुराना सब कुछ है, हिसाब किताब। उत्तर प्रदेश की जनता नया चाहती है, नया विकास चाहती है। इनको हटाएगी सरकार, ये हटने जा रहे हैं। और कई बार मैंने आपसे, आपके बीच में इस बात को कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को कम से कम टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए। वो टॉप 10 माफिया कहाँ है और किस दल में, इसकी सबको जानकारी हो जाएगी। मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाले अखिलेश यूपी पुलिस की अस्थियों पर फिर से सवाल उठा रहे हैं। बहराइच में भेड़िया और गीदड़ के आतंक के बहाने अखिलेश यादव तंज कस रहे हैं कि सरकार को जानवरों की समस्या से निपटने के लिए एसटीएफ को नया काम दे देना चाहिए। जानवरों की समस्या से निपटने के लिए एक एसटीएफ बनानी चाहिए, और या फिर गीदड़ की समस्या का समाधान के लिए ये भी केस एसटीएफ को ट्रांसफर कर देना चाहिए। जो लोग देखते ही कहते हैं ठोक दो, कम से कम उस एसटीएफ को ये नया काम देना चाहिए कि गीदड़ों को भी ठोक दें। साफ है सामने उपचुनाव है। योगी उपचुनाव में 10 की 10 सीटें जीतकर लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान की भरपाई करना चाहते हैं, तो अखिलेश की कोशिश है उपचुनाव को जीतकर 2027 का रास्ता साफ कर दिया जाए। लेकिन उपचुनाव में क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से पर्सनल अटैक हो रहे हैं, साफ है आने वाले दिनों में ये घमासान और भी तेज हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो चलिए आपने ये रिपोर्ट देखिए, आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूँ। हमारे साथ चारू प्रज्ञा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, स्टूडियो में मौजूद है। अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में है। राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। लोकेश जिंदल जी कांग्रेस पार्टी के नेता, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भाटी जी आपसे शुरू कर रहा हूं, और पहला सवाल यही है कि ये तस्वीर देखकर माफिया बताने वाला फॉर्मूला कैसे होता है? नहीं, आप ये बताएं राकेश पांडे जी, ईमानदारी से, दिल पे हाथ रख के, बिल्कुल ईमानदारी से, योगी जी जो भाषा आजकल बोल रहे हैं, जिस तरह के अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरह का उन्होंने राजनीतिक विमर्श को निचले स्तर पर ले आए हैं, और विरोधियों के लिए जिस तरह गाली गलौज की भाषा, धमकी की भाषा प्रयोग कर रहे हैं, क्या इस पे आपको ये लगता है कि यार हमारे इतने बड़े सूबे का मुख्यमंत्री और जो गैरवे वस्त्र धारण करता है, खुद को महंत बताता है, उसको ये भाषा शोभा देती है? इस पे हमें शर्म आती है या नहीं आती है? ठीक, अब भाटी जी मेरा इस पर एक क्रॉस क्वेश्चन है सर, इस पर एक क्रॉस क्वेश्चन है। कल आपकी ही पार्टी के एक नेता थे, उन्होंने ये कहा, जब हमने पूछा कि अरे मठाधीश माफिया क्या कहने की जरूरत थी, सीधे योगी को बोलना था, बोल दिए होते, मठाधीश क्या लाना था बीच में। तो उन्होंने कहा कहावत कही है, और उन्होंने यह भी कहा कि आप तो पांडे लगाते हैं, आप यूपी से ही होंगे, पूर्वांचल से ही होंगे, तो कहावत आप शायद मुझसे बेहतर समझ लें। तो सर फिर तो वही बात है, उसी फॉर्मूले पर आज भी कहावत समझ लेनी चाहिए, क्योंकि योगी ने जो कहा वो बात, मैं आपकी बात को खारिज नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर तो एक कहावत वो भी है जो योगी ने कहा। नहीं, किसी धार्मिक मठ का या मंदिर का या धार्मिक संस्थान के प्रमुख को कहीं भी मठाधीश नहीं कहा जाता है।
उन्हें महंत कहते हैं, धर्माचार्य कहते हैं, शंकराचार्य कहते हैं, वो सम्मानित नाम। मठाधीश तो एक मुहावरे के तौर पे ही प्रयोग होता है, कोई भी हिंदी का विद्यार्थी या आम बोलचाल को समझने वाला आदमी बता देगा कि मठाधीशी तो हर जगह प्रयोग होती है। अच्छा। ये शिक्षकों के मठाधीश हैं, ये पत्रकारों के मठाधीश हैं, ये कवियों के मठाधीश, कवि सम्मेलनों की राजनीति में आमतौर पर कवि आपस में बात करते हैं, अरे वो तो मठाधीश हो गया, अपने अपने ग्रुप के लोगों को बुलाता है। ठीक है, तो मुझे एक बात बता दीजिए, जो योगी आदित्यनाथ ने कहा बाकी उसके तौर पर मुहावरे के तौर पर, मैं उनकी बात है, आपकी अपनी आपत्ति अपनी जगह ठीक है, उठाया था कृपया। हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल ठीक बात है, मैं आपको आप ही के पास हूँ, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मैं खारिज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है कह दिया, हमारे लिए इतना ही बहुत है, आपने ठीक है कह दिया। नहीं नहीं सर जी जी, लेकिन ये भी एक कहावत है जो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती है, उसी तरीके से गुंडे ठीक नहीं हो पा रहे, तो ये भी एक कहावत है सर। नहीं नहीं वो तो ये कह रहे हैं, देखिए मैं अभी सुन रहा था उनकी बाइट, आप सुनवा रहे थे, बबुआ 12 बजे सो के उठता था, बाहर नहीं निकलता था, क्या भारत देश की राजनीति में इस स्तर पर भाषा उतर आएगी? विपक्ष के लिए तू तड़ाक की भाषा प्रयोग करने लगेंगे, इनमें जिन्ना की आत्मा घुस गई है, इनके खून से रंगे हुए हाथ हैं, ये खूनी हैं, ये हत्यारे हैं, नहीं है क्या खून से रंगे हुए, ये शब्द योगी जी बोल रहे हैं, हमें तो शर्म आ रही है। देखो किसी और को आए ना आए, हमें शर्म आती है। ठीक है, चारू प्रज्ञा कुछ कह रही है, आपका नंबर आएगा प्रज्ञा जी, आपको क्या आदत होगी जब बात बीच में, आप जो आप बीच में अपने डिबेट में ना मुझसे बात करने में बिता देते हैं, आप खून से रंगे हाथों की अगर बात कर रहे हैं, आप क्यों टोक रही हैं मुझे, मैं आप जब आप बोलेंगी मैं एक शब्द नहीं टोकूंगा मुख्यमंत्री के, आप जितने समय भी बोलेंगी मैं जरा भी नहीं टोकूंगा आपको, तो अब मैं बोल लूं क्योंकि मैंने अब तक आपको टोका नहीं है, अब मैं बोल लूं? नहीं, आपको जब राकेश पांडे जी कहेंगे तब बोलना आप, बताइए राकेश जी, अब मैं बोलूं? चलिए बाटी जी एक बार सुन लीजिए, इनका एक क्रॉस क्वेश्चन था, डिबेट में थोड़ी बहुत टोका टोक टाकी चलती है सर, तो सुनने वाले को अच्छा भी लगता है। ठीक है, मौन होकर सुनूंगा, बिल्कुल नहीं 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 मैं फिर आपके पास आ जाऊंगा। चारू प्रज्ञा का बीच में एक सवाल आ रहा था, वो सवाल सुन लीजिए, उसका जवाब दे लीजिए जी। मैंने तो सीधा सीधा पूछा था क्यों खून में रंगे हुए हाथ नहीं है, बिल्कुल है, खून में रंगे हुए हाथ हैं, बलात्कारियों का साथ देने वाले हाथ हैं, टेररिस्ट का साथ देने वाले हाथ हैं, और ये सारी बातें मैं तथ्यों पर बोल रही हूँ भाई। मुख्तार अंसारी आपकी पार्टी का ही तो नेता था, अतीक अहमद आपकी पार्टी का ही तो है, आप मुझे बताइए, अच्छा पुरानी बातें नहीं करते, नई नई बातें करते हैं, नवाब सिंह यादव आपकी पार्टी का ही तो है, आप ये बताइए, अयोध्या अयोध्या बार बार आप कहते हैं, अयोध्या के जो नए सांसद चुने गए हैं वो किसका सपोर्ट कर रहे हैं, क्या वो जनता के साथ खड़े हैं या क्रिमिनल के साथ खड़े हैं? तो ये बात आप मत भूलिए, दो बार से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बन रही है ना, ये इसीलिए बन पा रही है क्योंकि आपके समय पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी खराब थी, एक लड़की सड़क पे खड़ी नहीं रह सकती थी, रात की जरूरत नहीं है दिन में खड़ी नहीं रह सकती थी, ये सच्चाई है। और इसका ही बदलाव करने के बाद योगी जी बार बार मुख्यमंत्री चुने जाते हैं, ये फैक्ट है। पब्लिक सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी, ये इश्यूज बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और आप अगर इतनी टिप्पणियां दे रहे हैं मुझे बता दीजिए ना, मुख्तार अंसारी की बात बताइए मुझे। ठीक है, आपने कहा, भाटी जी जवाब दीजिए। मैं बताता हूं, आपने दो आरोप लगाए, बलात्कारियों का समर्थन, आतंकवादियों का समर्थन। किसी आतंकवाद की आरोपी महिला को, बम विस्फोट की आरोपी महिला को भारतीय जनता पार्टी ने संसद में चुन के भिजवाया टिकट देके। बलात्कारियों के बारे में आपका रिकॉर्ड इतना खराब है, आप चिन्मानंद के केस बार बार वापस लेने का प्रयास करते हैं, कोर्ट रोक देता है, आप रेपिस्टों को रिहा करते हैं, उन्हें माला पहनाते हैं, उन्हें संस्कारी बताते हैं। आपकी पार्टी में अभी एडीआर की रिपोर्ट आई है, सबसे ज्यादा बलात्कार के आरोपी जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो भारतीय जनता पार्टी में नंबर एक पे, मैं नहीं कह रहा, एडीआर की रिपोर्ट है। तो ये कह देना कि नहीं आके दूसरी पार्टी पे आरोप लगा देना, ये आपको शोभा नहीं देता। कम से कम जिनके घर शीशे के होते हैं उन्हें दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं उछालना चाहिए। तो आपका घर शीशे का है कि नहीं भाटी जी? एक सवाल है, एक मिनट, आपने कहा इनका घर शीशे का है, आपका घर शीशे का है कि पत्थर का है? नहीं, मैं एक 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 बात का और जवाब दे दूं चारू प्रज्ञा जी का। इन्होंने कहा कि इसीलिए तो आपको हरा दिया उत्तर प्रदेश की जनता ने, तो अभी उत्तर प्रदेश की जनता ने हाल में आपको 62-33 पे ले आए, तो इसका मतलब इस बात का सबूत है नहीं कि आपके मुख्यमंत्री और आपकी सरकार नहीं नहीं बाकी जी वैसे तो उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको 17 से ही बाहर करके रखा हुआ है।
ठीक है, नहीं नहीं मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री चुने जा रहे थे क्या? प्रदेश की सरकार चुनी जा रही थी? ये तू हमें तो प्रदेश के नेताओं के बीच में हो रही है ना, राष्ट्रीय नेताओं के बीच में तो हो नहीं रही। अच्छा लेकिन देखिए, आप जब इन बातों पर जवाब नहीं देते मुझे आपत्ति होती है, ठीक है ना? आपके नेता और अब जो नहीं रहे उनके बारे में बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता। महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करने से लेकर आज तक उनकी बहू ने मौन धारण कर रखा है नवाब सिंह के बारे में, आप तो कुछ बोल दीजिए। तो अगर ठीक ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, दो मेहमान इंतजार कर रहे हैं। भाटी जी मुझे बस एक बात बता दीजिए, आपका घर शीशे का है कि पत्थर का है, आप क्या मानते हैं? नहीं, घर घर तो सबके शीशे के होते हैं, सबको मर्यादा का पालन करना। नहीं ठीक है अवधेश जी, चलिए भाटी जी ने ये मान लिया कि उनके घर शीशे के हैं को किसी। हाँ अवधेश जी, अरे भाई ऐसा है, आप मेरे अकेले के लिए मत कहो, मैंने कहा सबके घर शीशे के होते हैं, सबको मर्यादा का पालन करना चाहिए। ठीक नहीं अवधेश जी, हमारा घर तो शीशे का भी नहीं है, पत्थर का भी नहीं, उसमें ईंट ही लगा है, और भाटी जी के घर में भी ईंट और पत्थर ही होंगे। ये अलग बात है कि टीवी पर वो शीशे का घर दिखा रहे हैं कि भैया हमारा तो है पत्थर, मत मारो गिर जाएगा, क्योंकि मालूम है कि पॉलिटिकल पार्टियों का जो कुछ नहीं भी उनका दोष होगा उसकी भी रक्षा करनी पड़ती है। क्योंकि अब कोई कहे कि भाटी जी क्रिमिनल है, क्रिमिनल कर लेंगे तो मैं तो नहीं मानूंगा, लेकिन कोई उपाय ही नहीं है। नहीं नहीं, लेकिन मुझे ये बताइए कि माफिया, मठाधीश, कुत्ते की पूंछ, गिदड़, एनकाउंटर, एसटीएफ, क्या और देखेंगे? देखिए सारे व्यक्तिगत नहीं है, पहली बात तो ये है। अगर अगर योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि माफियाओं का रहा है और गुंडों की पूंछ, कुत्तों की पूंछ सिद्ध नहीं होती, तो वो सीधी सी बात है कि उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से अपराधियों का, माफियाओं का बोलबाला था और जो स्थिति पैदा हो गई थी वहां, जिस ढंग से एक एक बिजनेसमैन तक को, छोटे छोटे बिजनेसमैन तक को अपना काम करने के लिए और जा करके पेशी और मंथली देनी पड़ रही थी, जिस ढंग से अपहरण हो रहे थे, तो उसमें और बड़े बड़े लोग माफिया अपराधी हो गए थे भाई, तो सांसद विधायक सब उत्तर प्रदेश और बिहार दो स्टेट तो एकदम देश का नेतृत्व कर रहा था ना इस मामले में, बाहुबलियों में, अपराधियों में, तो कौन सी नई बात है? अगर आप ऊपर से नीचे तक नाम गिनेंगे, महाराष्ट्र के अंडरवर्ल्ड का तो बाद में नंबर आता है, वो भी उत्तर प्रदेश से और बिहार से जाके बने थे, जो बड़े 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 अंडरवर्ल्ड थे यहीं से जाके बने थे, तो उससे उसके बारे में कोई भाषा प्रयोग होगी तो ऐसे ही भाषा प्रयोग होगी। एक दूसरा, जो क्रिमिनल्स हैं, योगी आदित्यनाथ जी जो 2017 में चुनाव जीते थे उसमें हिंदुत्व तो और बाकी था, लेकिन मेन यही था कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में गुंडों, माफियाओं, अपराधियों का इतना बोलबाला है जिससे जनता मुक्ति चाहती थी, और दोनों मिलाकर के एक सुपर बहुमत दिया। 2022 में मैं चुनाव में घूम रहा था, बीजेपी में व्यापक असंतोष थे, कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे थे, विधायक एक छोटे छोटे काम नहीं करा रहे थे, सब असंतोष था, लेकिन लास्ट में जहां मैं जाता था तो लोग यही कहते थे कि कम से कम हम लोग जो है रात में चैन की नींद तो सोते हैं, एक सब्जी वाला बोलता सुनिए। हाँ। तो जाहिर है कि अगर वो स्थिति थी और उसके बारे में जो अखिलेश जी जो है, देखिए अखिलेश जी ने गलत पीच पर खेल खेल दिया है, बाकी चीजों पर वो लड़े, लॉ एंड ऑर्डर, कानून, अपराधी, माफियाओं पर आएंगे तो मिलता हुआ वोट समाजवादी पार्टी का कटेगा। मैं एक पत्रकार के रूप में फ्री एडवाइस है भाटी जी आपके लिए, पहुंचाइए इसे अखिलेश यादव, तो गलत पीच पर आ गए हैं कि ये कोई पर्सनल नहीं है, और ये कुंडली आपकी ऐसी है जिसे योगी ने खोल दिया और आप इसमें बड़ी कमजोर ग्रह नक्षत्र है कुंडली में आप लोग। ये गलत योज कह रहे थे कि मठाधीश भाई ऐसा है, इस बार पहले भी आपके बोलो मैं क्या बोलू, बस 20 सेकंड मठाधीश वाला बताया था। देखिए मठाधीश आपने अपना लिया, मठाधीश का मतलब मैंने कहा मठाधीश्वर है, मठाधि अधिष्ठाता, ये सारे शब्द हमारे मठ में जो जिनका प्राण प्रतिष्ठा देवता की होती है उनके लिए और उनके पुजारी के लिए। भाटी जी आप बोलिए जो सवाल था। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ और आत्मविश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि अपराध के रिकॉर्ड में और माफियाओं के रिकॉर्ड में हम बहुत बेहतर हैं, भारतीय जनता पार्टी के हाथ रंगे हुए हैं, आप आंकड़े उठा के देखिए सर, एनसीआरबी के आंकड़े, इसलिए तो बार बार कह रहे हैं कि माफियाओं की सूची जारी करें। समय में पहली बार यूपी 5 तरीके के अपराधों में नंबर वन हो गया था, मैं पता नहीं हर हर दूसरी डिबेट में यूपी पर होती है, मैं ये डेटा कोट करता हूं सर एनसीआरबी का, और आप लोगों की सरकार इसी मसले पर चली गई थी, अगर आप झुठलाएंगे तो सर आप अपने साथ धोखा देंगे। मैं थोड़ा सा 20 सेकंड और फिर मैं आराम चालू बता देता हूं। एनसीआरबी का जो लेटेस्ट डाटा है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश महिलाओं के प्रति अपराध में नंबर 1 पर है,
रेप में उत्तर प्रदेश नंबर किस साल का आंकड़ा है? क्या के हिसाब से बताइए ना। नहीं नहीं किस साल का आंकड़ा है ये? हिरासत में मौतों में नंबर एक पर है, फर्जी मुठभेड़ों में नंबर एक पर है, हिरासत में मौतों में उत्तर प्रदेश नंबर एक पर है। पहली बात। दूसरी बात, ये आंकड़ा कहां से और किस साल का? फर्जी मुठभेड़ वाला भी गए हैं अमित शाह जी, ये कहां से आंकड़ा जारी होता है कि फर्जी मुठभेड़ में मारे गए? आप एनसी नहीं है, फर्जी मुठभेड़ तो मैं जोड़ रहा हूं। हाँ, आपने जोड़ दिया, मतलब आपकी पार्टी वाला आंकड़ा है, आपकी पार्टी वाला आंकड़ा है, सही है। बाकी जो चारों बातें मैंने कही है राकेश जी, ये देखे मैं ईमानदारी के साथ बोल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ बाकी चारों एनसीआर आपकी ईमानदारी पर समस्या तो है, लेकिन समाजवादी पार्टी का गमछा जो है उत्तर प्रदेश में 11 रेप रोजाना होते हैं। एक एक चीज और है, थोड़ा सा समय दीजिए, मैं लोकेश भाई आपके पास आ रहा हूँ, चारों एक साथ आप जवाब दीजिएगा। लोकेश जिंदल ने अभी तक नहीं बोला, लोकेश भाई ये दो लड़कों की जोड़ी गुमराह करने आई हुई है, अभी पता नहीं आप लोग खुलकर नहीं खेल रहे हैं कि पता उपचुनाव में दो चार सीट मिली जाए। राकेश जी, सर्वप्रथम ये जो बुलडोजर पॉलिटिक्स जिसके लिए उत्तर प्रदेश ने अपने लिए एक बहुत बड़ी बदनामी ली है, इसकी निंदा तो सुप्रीम कोर्ट ने भी की है। बुलडोजर पर कहां चले गए? नहीं, निंदा कहां की है? नहीं नहीं, और अभी बुलडोजर पर चर्चा थोड़ी नहीं चल रही है। नहीं समझिए, ये जो शब्द माफिया है अनुसार इसको आपको समझना होगा कि जब सरकार स्वयं कानून व्यवस्था का पालन नहीं करेगी तो सरकार तो आप तय करेंगे। लोकेश भाई, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा ना, अगर मामला सब ज्यूडिस है और एक तारीख दी गई है, इंटरिम रोक है, तो अभी तो मत किसी फाइनल नतीजे पर पहुंचिए कि क्या हुआ नहीं हुआ। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के एफिडेविट की तारीफ भी की थी इसी बुलडोजर एक्शन पर, तो सर जो मामला सब ज्यूडिस है, फाइनल कोई कमेंट आ जाए, फैसला आ जाए, तो फिर भी मैं आपकी बात ठीक मानूंगा। नहीं सर, मैं प्लीज सर, एक तो बहुत कम समय होता है, मैं बुलडोजर पर डिबेट नहीं कर रहा हूं, इसलिए प्लीज बुलडोजर पर मत बोलिए। देखिए मैं मुद्दे पर आता हूं। देखिए, जो भी व्यक्ति कानून व्यवस्था का पालन न करे, उसको अपने आप को उससे ऊपर समझे, उसे हम माफिया कहेंगे। मैं कल एक पिक्चर देख रहा था 1987 की, मिस्टर इंडिया। उसमें एक व्यक्ति का घर जो है बुलडोजर करना चाहता था अमरीश पुरी, वो क्या डायलॉग है, मोगैम्बो खुश हुआ, लेकिन वह व्यक्ति अपने घर को बचाने के लिए मेहनत करता है, वहां पर वो 10 अनाथ बच्चों को रखता है वहां पर, और वो चाहता था कि उसे उसका नहीं, वो घर बना। अरे लोकेश भाई प्लीज सर, लेकिन आप कहां मिस्टर इंडिया, मुझे पता है, मैं सर प्लीज, मैंने पहले कहा कि ऑन एयर टाइम मत खराब किया करिए सर, आप मैं चारू बस 10 सेकंड दीजिए। नहीं, मैं आपको मिस्टर इंडिया क्यों याद आया मैं आपको बता देता हूं, इसलिए कि यूपी में आप लोग मिस्टर इंडिया हो गए थे, वो शुक्र मनाइए सपा का, भागीरथी का, अखिलेश यादव का, कि लोकसभा चुनाव में इतनी सीटें आप लोगों को आ गई सर, वोट ट्रांसफर हो गए, वरना यूपी में वाकई आप लोग मिस्टर इंडिया हो गए थे। चलिए चारू प्रज्ञा जी, ऐसा है कि ये जिस तरीके की बातें कर रहे हैं इस समय भी, मुझे आपत्ति है, क्योंकि ये भूल जाते हैं। मैं आपको बताती हूँ, कसाब की मसी पिटिशन पे किसका साइन था? अखिलेश यादव का। टीवी पर नामी गुंडे मंगेश यादव को किसने डिफेंड किया लाइव टीवी पे? अखिलेश यादव ने। उसके बाद मुख्तार अंसारी की कब्र तक पर गए थे। अभी हाल ही में मऊ के अंदर एक समाजवादी का नेता अरेस्ट हुआ है, वीरेंद्र बहादुर पाल, रेप केस में अरेस्ट हुआ है। आपको पता है अखिलेश यादव ने क्या कहा? डीएनए टेस्ट होगा तभी मैं इस बात का विश्वास करूंगा। अब वाराणसी में जब सीरियल ब्लास्ट हुए थे, अखिलेश जी उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जो अक्यूज था ना, केस वापस लेने की बात करी अखिलेश यादव ने, उसके खिलाफ केस वापस लिया, क्योंकि 25 लोग मर गए थे, उसकी भी इनको कोई समस्या नहीं थी। कहा जाता है उस समय के आईपीएस एक्स डीजी सब लोगों के यहां पर रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स हैं कि जब यादवों का राज चला करता था उत्तर प्रदेश में, तो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे पुलिस स्टेशन में, किसी मुस्लिम के खिलाफ एफआईआर नहीं रजिस्टर होगी, चाहे कितना भी बड़ा क्राइम हो। इन बातों का आप जवाब नहीं देते? बोलिए पाटिल जी, डीएनए टेस्ट कराएंगे आप बच्चियों का, उसके बाद आप एक्शन लेंगे अपने नेताओं के खिलाफ। चारू आपने सवाल पूछा, जवाब सुन। अब ये इससे ज्यादा सफेद झूठ हो ही नहीं सकता, जो तीनों झूठ चारू प्रज्ञा ने आपके चैनल पे बोले हैं। चारू प्रज्ञा को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। जी बिल्कुल भी नहीं, आप थोड़ी पढ़ाई करके गूगल सर्च कर लीजिए, आर्टिकल्स पढ़ लीजिए, झूठ है कोटेशंस के साथ बता रही हूं मैं आपको। और एनसीआरबी की बार बार बात करते हैं, पर मिलियन देख लीजिए, ये भी बता देते हैं ना। चारू बीच में चिल्लाना, आपने बात कही, उनको लग रहा है कि आपने कुछ फैक्चुअल गलती की है, वो उनका जवाब नहीं, फिर आप बोल लीजिएगा। ठीक है भाटी जी, आप बोलिए, मैं आपको समय दे रहा हूँ, बोलिए।
बिल्कुल महाझूठ है। दूसरा ये महाझूठ है कि ऐसे आदेश थे पुलिस को कि यादव और मुस्लिम को गिरफ्तार ना किया जाए, महाझूठ है। सैकड़ों यादव और मुस्लिम उस समय गिरफ्तार हुए, उन पर मुकदमे चले, सब कुछ हुआ, जिन्होंने गलत किया, जिन्होंने अपराध किया। तीसरी बात, जो उन्होंने मंगेश यादव का नाम लिया, ये मंगेश यादव आपके लिए वाटरलू सिद्ध होगा। मंगेश यादव की हत्या का जवाब आपको कोर्ट में देना पड़ेगा, आपकी सरकार को देना पड़ेगा, आपके मुख्यमंत्री को देना पड़ेगा। हाँ तो सर कोर्ट में तय करिए ना, बाटी जी सरकार के हाथ रखे कोर्ट में तय करिए सर, घर से उठा के असद का एनकाउंटर भी मारा गया, जुडिशियल जुडिशियल जो कमीशन बना था उसमें सही हुआ जाएगा, इसकी जांच की किलिंग में पुलिस का कोई हाथ नहीं। सर आप लोग एक एनकाउंटर यूपी में अभी तक कोर्ट में फेक साबित नहीं हो पाया है, तो सर जिस दिन मंगेश का भी एनकाउंटर फेक साबित हो जाएगा आपसे पहले मैं सवाल उठाने वाला हूँ, लेकिन ये जुडिशियल कमीशन और कोर्ट से तय होगा कि एनकाउंटर फेक था कि नहीं था, आप कि सही एनकाउंटर था, ये किसी पार्टी के हेडक्वार्टर से नहीं तय होता है सर। जब राकेश पांडे जैसे वकील इन्हें निशुल्क मिल रहे हैं, बिना फीस के वकालत कर रहे हैं, तो इनका पक्ष तो मजबूत हो ही जाता है। मैं सिर्फ अगर आपको लगता है कि एक एनकाउंटर फेक साबित हुआ हो जब से योगी की सरकार हो, तो आप लोग क्यों नहीं कहते हैं सर, और आप कह रहे हैं ऐसा कोई आदेश नहीं दिया था, तो बिना आदेश के काम हो जाता था। ज्ञानवापी में नियमित पूजा रुक गई थी बिना किसी रिटर्न ऑर्डर के। राकेश जी फैक्ट ये है कि उत्तर प्रदेश में, सुनिए राजकुमार जी, भाटी जी एक आंकड़ा सुनिए, जल्दी से बोलिए, 10 सेकंड बहुत समय कम है। उत्तर प्रदेश में 2015 में प्रूव्ड 145 सबसे ज्यादा फेक एनकाउंटर हुए, जिसमें कई करोड़ रुपए जुर्माने में उत्तर प्रदेश सरकार को देना पड़ा। 145 से ज्यादा कोर्ट में प्रूव्ड, 145 से ज्यादा कभी इनकाउंटर जो है फेक नहीं हुए हैं। और ये आंकड़ा आप लोगों के और लोगों की सरकार का है, जब यूपी में सपा की सरकार थी। भाटी जी मैं बार बार कहता हूं कि आप कहिए इनकाउंटर फेक है, लेकिन कुछ आंकड़ा भी दीजिए कितने इनकाउंटर कोर्ट में या जुडिशियल कमीशन में ये फेक साबित हो गए, तो फिर आपकी बात में दम होगा। सिर्फ कहते रहेंगे तो कुछ नहीं होता है। चलिए वक्त इतना ही है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।